उमाशंकर सिंह का बलिया, सलेमपुर व घोसी से चुनाव लड़ने की हो रही चर्चा। बलिया से लेकर लखनऊ तक के राजनीतिक गलियारे में बसपा विधायक की चर्चा जोर शोर से। यूपी के बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह की चर्चा क्षेत्र में यह हो रही है कि उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। हकीकत क्या है यह बताना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उमाशंकर सिंह के समर्थक उनके नाम की चर्चा बलिया, सलेमपुर व घोसी में जमकर कर रहे हैं। वैसे अभी तक बसपा में बलिया में लोकसभा में खाता नहीं खुल सका है, लेकिन उमाशंकर सिंह के नाम की चर्चा यदि सत्य हुई तो लड़ाई बड़ा रोचक होगा। लोगों को उम्मीद है कि रसड़ा का बेटा इस बार घोसी, बलिया व सलेमपुर से किसी एक लोकसभा से सांसद बने ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। आजादी से अब तक कोई भी नेता रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का सांसद नहीं बना, केवल वोट करता रहा। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि इस बार के चुनाव में रसड़ा के बेटा को सांसद बनाकर दिल्ली के सदन में भेजना है। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में आजादी से अब तक बलिया जिला निवासी कोई नेता सांसद नहीं बना है, लेकिन इस बार बलिया के तीनों विधानसभा बांसडी, सिकंदरपुर और बिल्थरा रोड की जनता ने मन बना लिया है कि बलिया का ही कोई सांसद होना चाहिए। वैसे घोसी लोकसभा क्षेत्र में एक बार रसड़ा के हरिनारायण राजभर को सांसद बनने का मौका मिला है, लेकिन उसके बाद बलिया जिले का कोई नेता घोसी सीट से सांसद नहीं बना। विधायक उमाशंकर सिंह घोसी सलेमपुर और बलिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह तो समय तय करेगा, लेकिन सूत्रों की माने तो राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे सबसे योग्य कर्मठ, संघर्षशील, विकास पुरुष, गरीबों के मसीहा, सबके दिलों में बसने वाले उमाशंकर सिंह को अब क्षेत्र की जनता उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहती है। वैसे उमाशंकर सिंह अभी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह तो वक्त ही बात बताएगा, लेकिन यह भी सच है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का आदेश यदि आ गया तो कुछ भी हो सकता है। बताते चले कि एक समय में रसड़ा विधानसभा सुरक्षित सीट हुआ करती थी और यहां से कभी अनिल कुमार तो कभी घूराराम विधायक हुआ करते थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने घूराराम को टिकट न देकर उमाशंकर सिंह को टिकट दिया और पहली बार में ही वह चुनाव जीते और विधायक बन गए। क्षेत्र में उनके नाम की चर्चा जबरदस्त तरीके से होने लगी। फिर वह वक्त आया कि 2017 और 2022 का दोनों विधानसभा चुनाव में वह बसपा से जीते हैं और तीसरी बार वह विधायक बने। अब देखना यह होगा कि क्या उमाशंकर छोटे सदन को छोड़कर दिल्ली के सबसे बड़े सदन तक पहुंचेंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन उमाशंकर सिंह को लोग सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। क्षेत्र की जनता इसलिए देखना चाहती है कि उनके अंदर आज भी विकास करने की वही क्षमता है जो पहले थी। एक बात और, पूर्वांचल के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह आज भी मेडिकल कॉलेज के लिए अपने क्षेत्र में अपनी खुद की जमीन देने के लिए तैयार है। उनका दावा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, यदि सरकार रसड़ा में मेडिकल कॉलेज बनवाए हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन उमाशंकर सिंह को पकड़ हर दलों में रहती है। वही जिस तरह से चाहते हैं उनका काम हो जाता है, क्योंकि वह मिलनसार और व्यवहार कुशल के साथ ही ईमानदार भी हैं।